अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज लाइव आने का एक मकसद है, आपने सुना होगा एक हमारा बॉलीवुड का सिंगर है, हमारा भाई मीका सिंह, उस पर बैन लगा दिया गया है कि उसने पाकिस्तान में कहीं पे गाना गाया। यार अब राजनीति एक्टरों पे भी आ गई, सिंगरों पे भी आ गई, उस पर बैन लगा के कोई मतलब नहीं है। अगर मीका ने वहां पे गाना गाया तो इसका मतलब उसकी देशभक्ति कम हो गई, या पूरी दुनिया में जो सरदार देश से मोहब्बत करते हैं, जो सिख रेजिमेंट है हमारी, जो देश के लिए लड़ती है, ये सब चीजें एक ही है। कलाकार चाहे हिंदुस्तान में गाना गाए, चाहे पाकिस्तान में गाना गाए, चाहे चीन में गाए, वो कलाकार है। मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान में सारे बिजनेस हो रहे हैं, इकोनॉमी चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, सब आपस में मिल रहे हैं, इमरान खान से वो मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं, सब हो रहा है। भाई दो देश में अगर कुछ अच्छी चीजें हो रही है तो होने दो ना, इसको क्यों रोका जा रहा है? क्यों हम दुबई जाते तो वहां पाकिस्तानी सब भाई, बांग्लादेश के सारे भाई सब मिलते हैं, सब मिलते हैं, आपस में धंधा भी करते हैं, काम भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, साथ में खाते पीते भी है। मेरे हिसाब से मीका सिंह पे जो बैन है वो हटना चाहिए। मतलब क्रिकेट खेली जा रही है, बिजनेस हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, एयरलाइंस वहां से आ रही है, वहां से जा रही है, सारी चीजें हो रही है। अगर ये बैन सिर्फ उसने वहां गाना गाया इसलिए है तो ये बैन ठीक नहीं है। अगर उसने कुछ ऐसा काम किया हो जो देश के खिलाफ हो, पाकिस्तान के कई सिंगरों के गाने यहाँ के सारे हीरो की आवाज नहीं है, आतिफ असलम की आवाज में अभी गाने सुपर हिट नहीं हुए, शाहिद कपूर की फिल्म हिट नहीं हुई, सब सुनते हैं, नुसरत साहब के गाने सब सुनते हैं, उस तरह से मीका के हमारे यहाँ पे जितने अरिजीत सिंह है, सोनू निगम है, सबके गाने वहां सुनते हैं। इस पे प्लीज रोक ना लगाइए, ये अलग चीज है। अब मतलब हो क्या रहा है, मतलब ऐसा होगा कि अगर मैगी वहां से आ रही है इसराइल से तो मैगी मत खाओ, वो पाकिस्तान से आ रहा है तो वो मत खाओ, वो बांग्लादेश से आ रहा है तो वो मत खाओ, खाने पे, गाने सुनने पे, कपड़े पहनने पे, सारी चीजों पे अब रोक टोक होगी, बैन होगा। मेरी ये राय है इस पे कि ऐसी किसी चीजों पे बैन नहीं लगना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में इसको शेयर करिए और कमेंट करिए और आपकी राय दीजिए मुझे। और मैं मीका सिंह के साथ हूं, मुझे लगता है फेडरेशन को और सारे लोगों को मीका को एक और चांस देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का एक माना हुआ सिंगर है, एक अच्छा इंसान है, उसने कई लोगों को मदद भी की है, अपने एनजीओ भी चलाता है वो और अच्छे काम भी करता है। उसको प्लीज ये बैन हटा के उसे अपनी कलाकारी, अपने हुनर से दूर ना करिए। दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह के जिक्र का जुबां पे सवाल रखिएगा।